हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। मोनालिसा ऐसी पेंटिंग रही है जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग जानकारी रखते हैं, और इस मोनालिसा पेंटिंग में मौजूद महिला की अद्भुत रहस्यमयी मुस्कान और मासूम चेहरे ने सभी को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। ऐसे में इस पेंटिंग के बारे में थोड़ी दिलचस्प जानकारी आपको भी जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए आज आपको बताते हैं इस मोनालिसा पेंटिंग से जुड़ी कुछ खास बातें। आज से करीब 500 साल पहले इटली के एक व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकांडो ने अपनी पत्नी लिसा डेल जियोकांडो की पेंटिंग उस समय के उभरते पेंटर लियोनार्डो डा विंची से बनवाई, और विंची ने इस पेंटिंग का नाम ला जियोकांडा रखा। लेकिन बदलते समय के साथ इसका नाम मोनालिसा हो गया, और मोनालिसा एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट पेंटिंग है। दुनिया भर में इस पेंटिंग को सबसे ज्यादा बार देखा गया है। आप इस पेंटिंग की कीमत जानकर चौंक जाओगे। दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा की आज के समय में कीमत 750 यूएस डॉलर है। अगर हम इंडियन रुपीस में आके तो आज के समय में इसकी कीमत 5,159 करोड़ रुपए है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस पेंटिंग को लियोनार्डो डा विंची नामक आर्टिस्ट ने बनाया था, जिसका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची नामक शहर में हुआ था। वैसे विंची ने बहुत सी पेंटिंग बनाई थी, पर सबसे ज्यादा लोकप्रियता मोनालिसा को मिली। वैसे विंची ने इस पोर्ट्रेट पर कब काम शुरू किया उसके बारे में लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विंची ने 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के हॉट बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में विंची ने 12 साल लगा दिए थे। इस पेंटिंग में मोनालिसा यानी लिसा डेल जियोकांडो, उसके पति फ्रांसिस्को डेल जियोकांडो ने अपने दूसरे बच्चे के आने की खुशी में यह पेंटिंग बनाई थी, जिसे विंची ने ऑयल पेंट से पॉपुलर पैनल में बनाया था। इस पेंटिंग की लोकप्रियता की मुख्य वजह है इसकी बनावट। यह पेंटिंग हर एंगल से अलग अलग तरह की दिखाई देती है। विंची की पेंटिंग की यह खासियत रही कि वो पेंटिंग में आउटलाइन नहीं बनाते थे। इस टेक्निक को स्कुमाटो कहा गया, और इसी वजह से विंची को काफी प्रसिद्धि भी मिली। मोनालिसा की हल्की सी मुस्कान ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है, क्योंकि इस पेंटिंग में जो महिला है उसके होठों पे तो मुस्कान है, लेकिन आंखें दुखी दिखाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक भोली महिला की मासूम मुस्कान है, तो कुछ का कहना है कि ये मुस्कान बताती है कि मोनालिसा के दिल में बहुत से राज छुपे हैं। और डेनमार्क में बने इमोशन रिकग्निशन कंप्यूटर के अनुसार मोनालिसा 83% खुश है। इस पर बहुत से कयास लगाए गए, लेकिन इस मुस्कान का सही कारण शायद ही कोई जानता है। और फ्रेंड्स, इस पेंटिंग में इटालियन लैंग्वेज में कुछ लिखा है जिसका मतलब है द आंसर इज हियर, लेकिन आज तक इस लाइन का मतलब नहीं पता चला है कि आखिर इसके जरिए विंची क्या कहना चाहते हैं। धीरे धीरे लियोनार्डो मशहूर होने लगा, और उसकी ये पेंटिंग सबसे पहले फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने खरीदी। फ्रांस की क्रांति के बाद ये तस्वीर नेपोलियन के बेडरूम में सजाई गई और कुछ समय बाद लोअर म्यूजियम में लगा दी गई। और फ्रेंड्स, 21 अगस्त 1911 को इस म्यूजियम से पेंटिंग चोरी हो गई, और जिसने इसे चोरी की थी उसे 2 साल बाद तब पकड़ा जब उसने इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश की थी। और फ्रेंड्स, फिर पेंटिंग को मिलने के बाद फिर से म्यूजियम में ही रख दी गई। वर्ष 1950 के आते आते मोनालिसा पर 300 से ज्यादा पेंटिंग्स बन चुकी थी, जिसमें कई बदलाव किए गए थे, और 2000 से भी ज्यादा विज्ञापन भी बन चुके थे। और फ्रेंड्स, 2014 में लोअर म्यूजियम को कुल 9.3 मिलियन लोगों ने विजिट किए थे, उसमें से 80% लोग मोनालिसा को देखने आए थे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के हर एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।